हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपका अपना दोस्त अंकित झंगड़ा एक बार फिर दिन की शुरुआत के साथ अपने नई वीडियो लेके आ चुके हैं। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर रामूर्त भी लगे हुए हैं बिना स्टोरेज के दीवान के। और क्या लिया? हो गया, हो गए। तो फ्रेंड्स, कल हम चंडीगढ़ थे तो भैया ने आज ये पॉलिश कर दिए थे। कल ही आज इनकी पॉलिश हो गई है, फाइनल किए जा रहे हैं कलर वगैरह मिला के। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके वर्कशॉप में। इधर लगे हुए मंजीत और राहुल। ये देखिए फ्रेंड्स, सोफा रेडी किया जा रहा है। ये इसका बाहर का स्ट्रक्चर है, ये अंदर की चेयर ही देखिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए रेडी किया जा रहा है। कब तक हो जाएगा? हो गया, अच्छा एक घंटा लगेगा फिट किया जा रहा है। ये फ्रेंड्स, पूरी लकड़ी यूज़ की जा रही है, कोई प्लाई वगैरह कुछ नहीं। इधर मार दूंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सोफा फिट कर दिया है। ये दो चेयर हो गई है, अब ये फिट करके तुरपाई की जा रही है। मौसम और क्या बहुत सुहाना बढ़िया, मगर गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है हिसार में। तो फ्रेंड्स, शाम के बज चुके 5। दुकान पे थोड़ा सा संडे था तो रश कम था, तो आज राहुल भाई आए तो इनकी शादी पक्की हो गई है, तो बोले आज भाई हमको आपको ट्रीट देते हैं, तो दही भले मंगवाए इन्होंने। ये देखिए नाम ले दिया राहुल की फोटो, क्या बात है। ये राहुल भैया है, इसका रिश्ता हो गया, रिश्ता पक्का हो चुका है। बस अब अंकित का आने वाला है, जल्दी आपको खुशखबरी सुनाएंगे। ये भाई की शादी होने वाली है, सबको बताएं इसकी शादी होने वाली है। नवंबर में विकास भाई की शादी होने वाली है। ये बुड्ढा हो चुका है, बुड्ढा मत ले भाई, भाई का आनंद ले रहे हैं। दही लगा, क्या बात है, देखिए गर्मी में एक दही भले बढ़िया इलाज। तो फ्रेंड्स, अभी ये बेड रेडी किया जा रहा है, इसकी फिटिंग वगैरह करेंगे। कस्टमर आए थे अभी, बोले भाई हमको तुरंत ही चाहिए, तो लगे रामूर्त भैया इसको रेडी करने। ये देखिए कस्टमर गाड़ी लेके आए हैं, क्या बात है जी। बोले अभी अथवा चाहिए तो मैं जी एक घंटा बैठो, अभी रेडी करवा देते हैं आपका। तो लग गए इसको, थोड़ा इसमें सामान रखा था वो हटाएंगे। ये देखिए अब साफ सफाई हो रही है। ये राहुल भी लगे हुए साथ करवाते इसको रेडी। तो फ्रेंड्स, अपना ये सोफ़ा रेडी हो गया। ये देखिए बढ़िया लग रहा है, कल इसकी फिनिशिंग हो जाएगी और फिर शाम को इसे डिलीवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अपने ये विदाउट स्टोरेज के जो दीवान है वो रेडी हो गए थे और अंदर लगा दिए शॉप में। आज आपको दिखाते हैं टेबल। ये देखिए पूरे सागवान के अंदर ही है, क्या बात है। इसके ऊपर प्लेन ग्लास आएगा, ये MDF की जगह भी फिक्स होनी है, फिर इसके ऊपर ग्लास आएगा। बहुत ही बढ़िया लुक ऊपर क्या है इसके। ये देखिए 4x2 का साइज है, पूरी वुडन में वीनियर लुक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक मेरा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोग बोल देते कि भाई ये दुकानदार बेकार है, इसका व्यवहार ख़राब है, इसकी सर्विस ठीक नहीं है, तो वो डिपेंड करती है पूरा कस्टमर पर। ये मैंने नोट किए और एक कस्टमर की वजह से सबको इफ़ेक्ट आता है। हमारे पास एक कस्टमर आए थे मे बी 1 वीक पहले, वो 1 वीक पहले ऑर्डर करके गए, मगर उससे भी पहले वो मेरे पास 3 बार आए। उन्होंने सारी चीज़ें कन्फर्म की, रेट वगैरह सब चीज़ देखे, मार्केट में भी देख के आए वो सब जगह। फिर वो आए कि भाई हमको आपका सामान पसंद आया, ऑर्डर कर देते हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया और हमने उनको within 2 days रेडी कर दिया था सोफ़ा और टेबल। जैसे ही सोफ़ा रेडी हो गया, मैंने उनको कॉल कर दिया, सर आपका सोफ़ा रेडी हो गया। तो वो बोलते भाई हमारे घर पे थोड़ा काम चल रहा है तो नहीं आ पाएंगे। आज वो आते हैं हमारे पास, क्या कह के कि आपकी क्वालिटी घटी है। ये अच्छा बढ़िया काम है, मुझे अगर ये चीज़ आपको देखनी तो पहले देखते, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि। बोले नहीं आपकी क्वालिटी घटी है, किसी ने बताया मेरे को।
मैं किसी ने बताया आपने देखा है क्या? बोले मैं तो देख के गया हूँ। मैं जी मेन बात बताऊँ क्या है? मेन बात कहाँ पे आई कि उनके पड़ोस में कोई सोफ़ा लेके आया, बिल्कुल थर्ड क्लास का, फ़ोटो भी दिखा रहे थे वो उससे सस्ता। तो भाई पैसे सब कुछ नहीं होते, पैसे को सस्ता बनाने को हम भी बेच सकते हैं, मगर दुर्गा फर्नीचर एक ब्रांड है, क्वालिटी बेस्ड है, हम क्वालिटी में डील करते हैं। चाहिए भाई कस्टमर के पैसे लगने हैं, चीज़ ऐसी हो कि भाई 15-20 साल चले, हम धोखेबाजी नहीं करते। मगर उसने एक ऐसा दिमाग ख़राब किया आके कि भाई मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी दुकान के ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे टोटली, जैसे आपका 10,000 रुपये का सामान है तो हाफ पेमेंट लेते हैं या फुल पेमेंट लेते हैं ऑर्डर प्लेसिंग पर। हमने सोचा भाई चलो ठीक है, कस्टमर्स आते हैं तो हम बिल्कुल माइनर सा एक लेते हैं पेमेंट, जैसे भाई 10,000 रुपये का है तो हमने 3,000 4,000 ले लिए। तो वो हमने भी गलती की है, देखो वो आया कस्टमर, उसका ऑर्डर था 20,000 रुपये का, तो हमने सिर्फ उससे 2,000 रुपये लिए, ठीक है। वो बेकार आदमी इतना कि भाई इतनी गंदी गंदी बेकार तरीके से बोला, फिर हमने उससे ना कोई जबान लड़ाई ज़्यादा ना। और वैसे दुकानदार के क्या रूल है कि भाई साई वापस नहीं होती, अगर हम कैंसिल करें तो बात अलग है, साई वापस नहीं होती। तो फिर वो बोले भाई मैं पुलिस को बुला लूँगा, क्या यार बेकाम की बात है बकवास। तो भाई अपनी रेपुटेशन बनाए रखे, यूँ बेकार मैं उनको बदनाम करने नहीं चाहता, मगर कुछ होते हैं जिनको पता लगना चाहिए।